हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल होम स्कूल बाय राउट टीचर। आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश इस सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो क्वेश्चन पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आने वाले फर्स्ट टर्म एग्जाम में इंग्लिश का पेपर किस तरीके का आएगा, इसके आइडिया आपको इस पेपर के माध्यम से पता चलेगा। यह पेपर 30 मार्क्स का रहेगा और यह पेपर यूनिट 1 और यूनिट 2 इसके ऊपर आधारित रहेगा। क्वेश्चन 1, कंप्लीट द सेंटेंसेस। नीचे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। यह क्वेश्चन 4 मार्क का है। फर्स्ट, द चाइल्ड वॉन्ट टू वॉश द पेंसिल्स फेस बिकॉज, यानी चाइल्ड पेंसिल से फेस धोना चाहते हैं, वो क्यों धोना चाहते हैं, वो बाकी का सेंटेंस आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसका रीजन क्या है वह कंप्लीट करना है। सेकंड है, द स्टेज वॉज वेरी प्राउड ऑफ, मीन्स हरिन को बहुत गर्व था। उसके बाद की लाइन क्या है, वह लाइन आपको पूरी करनी है। द सिक्स हॉनर्स सर्विंग मैन आर फिल इन द ब्लैंक्स, इस ब्लैंक्स में क्या आएगा, इसके आगे की लाइन क्या है, वह लाइन आपको पूरी करनी है। फोर, गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, जस्ट अ फिल इन द ब्लैंक्स एंड समटाइम्स अ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा वह आपको पूरा करना है। रिक्त स्थान में कौन कौन सा वर्ड आएगा वह आपको वहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन 2, डू एज डायरेक्टेड, मीन्स निर्देश दिया गया है, उस निर्देश के अनुसार आपको चलना है या आपको काम करना है। यह क्वेश्चन 4 मार्क के लिए है। पहला है, राइट अ बिगर वर्ड दैट विल इंक्लूड द वर्ड फैशन, आपको ऐसा बड़ा वर्ड लिखना है जिसमें फैशन यह वर्ड शामिल हो। मीन्स उसका आंसर किस तरीके से आएगा, फैशन उस वर्ड को हम अगर ऐड करेंगे किसी वर्ड में तो क्या हो जाएगा, कोई वर्ड आंसर आएगा फैशनेबल। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसका आंसर कर सकते हो। सेकंड है, राइट द अपोजिट ऑफ अपीयर, मीन्स अपीयर इस वर्ड का अपोजिट वर्ड्स आपको लिखना है। थर्ड, राइट द वर्ड दैट इज हिडन इन द वर्ड्स वेवर, मीन्स वेवर इस वर्ड्स में कुछ छुपे हुए वर्ड्स है तो वहाँ से एक वर्ड्स आपको निकाल के लिखना है। नंबर 4, राइट अनदर वर्ड्स दैट साउंड द सेम एज नो, यहाँ पे नो इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है, ठीक है, उसी तरीके से एक दूसरा वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखना है जिसका सेम प्रोनाउंसिएशन नो निकलता है। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजेस फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में कुछ वाक्य दिए गए हैं उसका यूज करके रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। ब्रैकेट में है, पुट अप विथ, ऑन द पॉइंट ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, टू शो ऑफ, ऐसे 4 से 5 वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उन वर्ड्स का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। पहला सेंटेंस है, रोहन ऑलवेज ट्राई फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन देयर्स द बिगर बॉयज अराउंड, इस फिल इन द ब्लैंक्स में ऊपर दिए गए ब्रैकेट में से कोई वर्ड का ग्रुप चुन के लिखना है। सेकंड है, आवर टीचर टॉट अस फिल इन द ब्लैंक्स मेनी चार्ट्स, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में ऊपर दिए गए कोष्टक में से भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स चुनना है और वह लिखना है। क्वेश्चन 4, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 सेंटेंसेस ईच, नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन 2 क्वेश्चंस के आंसर हमें 2 या 3 सेंटेंस में देना है। यह क्वेश्चन 4 मार्क के लिए है। फर्स्ट, व्हाट डिड द ऑक्स टेल द डॉग इन द मैंजर, मीन्स बैल ने मैंजर में कुत्ते से क्या कहा है, इसका आंसर आपको 2 या 3 सेंटेंस में देना है। सेकंड है, नेम 2 यूजेस ऑफ डिक्शनरी, मीन्स डिक्शनरी के 2 उपयोग आपको बताने हैं, यानी 2 उपयोग आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन 5, राइट एनी 1 डिफरेंसेस बिटवीन अ फॉर्मल लेटर एंड फ्रेंडली लेटर, मीन्स आपको फॉर्मल लेटर और फ्रेंडली लेटर में क्या डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस को आपको लिखना है,
यानी एक डिफरेंसेस या दो डिफरेंसेस आप यहाँ लिख सकते हो। यह क्वेश्चन दो मार्क के लिए है। क्वेश्चन सिक्स, राइट वन सेंटेंस ऑफ योर ओन दैट इज, यानी कि नीचे के शब्द का यूज करके आपको अपने आप से यानी खुद से एक वाक्य बनाना है। दो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, पहला है अ कमांड और दूसरा है अ क्वेश्चंस। ठीक है, इन वर्ड्स का यूज करके हमें एक सेंटेंस तैयार करने हैं। आपको अपने हिसाब से एक सेंटेंस तैयार करना है। दो वर्ड दिए गए हैं तो दो सेंटेंस तैयार करके लिखना है। यह क्वेश्चन फोर मार्क के लिए हैं। एक सेंटेंस बनाने से आपको दो मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन सेवन, राइट द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है विल नॉट, ठीक है, और दूसरा है आई हैव। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, वह शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है। सेकंड है आई हैव, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, उस आई हैव का शॉर्ट फॉर्म को आपको लिखना है। क्वेश्चन एट, रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ प्रॉपर पंक्चुएशंस, मीन्स विराम चिन्ह का उपयोग करके नीचे दिए गए वाक्यों को फिर से लिखना है। यहाँ पे विराम चिन्ह का यूज करना है। और फोर मार्क का यह क्वेश्चंस हैं। पहला है थैंक गॉड वी बोथ डिड अवर ड्यूटी। इस सेंटेंस में जहाँ जहाँ विराम चिन्ह का यूज करना पड़ेगा वहाँ वहाँ पे आपको विराम चिन्ह मीन्स पंक्चुएशन मार्क करना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। सेकंड है हे ग्रेट न्यूज़ क्राइड द मॉनिटर। ठीक है, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ पंक्चुएशन मार्क का यूज करना पड़ता है वहाँ पे आपको उसका यूज करना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर नाइन, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल थैंकिंग हर ऑब्लिक हिम फॉर गिविंग परमिशन फॉर होम इशू फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, मीन्स लाइब्रेरी की पुस्तकें घर पर ही उपलब्ध कराने की अनुमति देने के लिए अपने प्रधानाचार्य मीन्स प्रिंसिपल को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखना है। यह पत्र आपको अपने प्रिंसिपल को लिखना है। ठीक है, यह क्वेश्चन फोर मार्क का है। इस तरह से आपको आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में मीन्स फर्स्ट सेमिस्टर में इस तरह का पेपर आ सकता है। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं। इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए और आने वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।